युवा मोर्चा खेलेगा मध्य प्रदेश विधानसभा स्तरीय युवा मोर्चा का कार्यक्रम संपन्न। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका भारत का भाग्य और उसकी तस्वीर बदलने में सक्षम है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा के खेलेगा मध्य प्रदेश अभियान के तहत मानपुर जिला उमरिया विधानसभा में खेलेगा कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसके अंतर्गत सभी मंडलों के आए हुए प्रतिभागियों ने क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुश्ती, खो खो, कबड्डी की स्पर्धाएं आयोजित की गईं। भाजयुओं के जिला अध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि पहले मंडल स्तर पर खेलेगा मध्य प्रदेश स्तरीय आयोजन किया गया, उसके बाद विधानसभा स्तरीय आयोजन किया गया। सभी विजेता टीमों को नगद व ट्रॉफी से पुरस्कृत भी किया गया। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि आज जब हम आज़ादी के अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं तो ये पिछले 75 वर्षों में देश के संकल्पों को पूरा करने वाले सभी लोगों के योगदान का स्मरण करने का अवसर है। साथ ही अमृतकाल के आने वाले 25 वर्षों पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य को केंद्रित भी करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की ये बड़ी उपलब्धि रही है कि देशवासियों में भारतीयता की सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ। इसी सामूहिक चेतना के कारण भारत के विकसित राष्ट्र का संकल्प और मजबूत हो रहा है। भारत को मार्गदर्शक के तौर पर भी देखा जा रहा है। कार्यक्रम पर मुख्य अतिथि युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित सिंह, विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला महामंत्री अर्जुन सिंह सयाम, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा मंडल मानपुर के मंडल अध्यक्ष नागेंद्र पटेल, युवा मोर्चा के मंडल मानपुर अध्यक्ष विमलेश गुप्ता, विश्व युवा मोर्चा जिला सोशल मीडिया प्रभारी राजा दिवाकर मिश्रा, युवा मोर्चा मंडल पाली के मंडल अध्यक्ष नीरज शुक्ला, युवा मोर्चा मंडल अमरपुर से मंडल महामंत्री एल आर राजश्री मिश्रा, नारायण प्रताप, रवि सिंह, संदीप गुप्ता, सूरज सिंह, घनश्याम पटेल, त्रिलोकी नाथ पटेल, नीतीश बंसल, विकास बग्गा, शिव कुमार चौधरी सहित नगर के गणमान्य नागरिक एवं ग्रामीण जन क्षेत्रीय जन उपस्थित रहे। काफी दिशा हीन गेंदबाजी की है और निश्चित रूप से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यह दूसरा मुकाबला है। इसके बाद मुकाबला होगा कठार वर्सेज उड़ेरा। युवा मोर्चा मंडल मानपुर से मंडल अध्यक्ष हूँ। आज अपने मानपुर विधानसभा पे खेलेगा मध्य प्रदेश के उपलक्ष्य में अपने प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित सिंह जी के अगुवाई में अपने मानपुर विधानसभा पे तीन मंडलों के साथ अपने खेल का आयोजन करवाया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जिला उपाध्यक्ष सलीम खान जी, जिला प्रभारी अखंड प्रताप सिंह जी, मुख्य अतिथि के रूप में अमित सिंह जी, जिला सोशल मीडिया प्रभारी अपने राजा दिवाकर जी, महामंत्री नारायण प्रताप सिंह जी एवं मेरे समस्त युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से स्वागत। कौन कौन सा खेल का आयोजन आज किया गया है विधानसभा? हमारे मानपुर विधानसभा खेल पे अपने खेल खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल आदि खेलों का खेल करवाया गया है। ठीक है, आज विधानसभा स्तरीय युवा मोर्चा का कार्यक्रम रखा गया है, इसके बारे में बताएं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष परम सम्मानी वैभव पवार जी के निर्देशन पर, उनके आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मध्य प्रदेश के हर जिले में खेलेगा मध्य प्रदेश नाम से खेल प्रतियोगिताएं करवाई। शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर हमने 10 प्रकार के गेम, जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुश्ती, कलाई कुश्ती, रेसलिंग, खो खो, भाग से कोई महिला खिलाड़ी और राष्ट्रीय टीम में खेली। उसी तरह हमारी सोच है कि हम आने वाले दिनों में छुपी हुई प्रतिभा को निखारेंगे, लाएंगे, उनको सही सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाएंगे। सर्वप्रथम हमने पंचायत स्तर, मंडल स्तर और उसके बाद विधानसभा स्तर पर खिलाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा का उद्देश्य केवल यूथ कनेक्टिविटी नहीं है, हम लोग केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हमको एक पंचायत स्तर से मंडल स्तर से नई छुपी प्रतिभाओं को निकालना, उसको जिला स्तर, विधानसभा स्तर पर लाना, जिला स्तर पर लाना और फिर प्रदेश स्तर पर लाना है। जिससे विगत दिनों आपने देखा कि शहडोल संभाग से पूजा वस्त्रकार जी का चयन हुआ। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें।
और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।